दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच में से एक बहुत ही अहम फिगर ऑफ स्पीच करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपरबली। हाइपरबली तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन से। इसकी जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है। डिफिनीशन, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जैजरेशन इज यूज फॉर एम्फसिस। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट दैट आर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। इसका मतलब ये है कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें मुबालिगा आराई इस्तेमाल की जाती है। किस मकसद के लिए? फॉर एम्फसिस, जोर देने के लिए। ठीक है, यानी जब आप किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो उसमें मुबालिगा आराई यानी एक बात को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश की जाती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, इसमें मुबालिगा आराई वाला जो बयान है वो शामिल होता है। दैट आर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, जिसको लफ्जी या लफ्जी मानों में नहीं लिया जाता। ठीक है, यानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं आपने उससे वो मुराद नहीं लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी डिफिनीशन की समझ आ गई होगी कि इसके अंदर क्या है। मुबालिगा आराई या एक बात को बड़ा चढ़ाकर जो है वो पेश की जाती है हाइपरबली में। तो अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। इसके एग्जाम्पल्स है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैं आपको लाखों दफा बता चुका हूं। तो यहां पर ये जो अ मिलियन टाइम है, मिलियन टाइम, ये एग्जैजरेशन है। ठीक है, व्हेन द डोर्स ओपन्ड अ सी ऑफ पीपल केम इनटू द स्टेडियम, जब दरवाजे खोल दिए गए तो लोगों का एक समंदर स्टेडियम में आ गया। तो यहां पर अ सी ऑफ पीपल, लोगों का एक समंदर, ये हाइपरबली की मिसाल है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड को आप देखें, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स, उससे ये ली गई है, जिसमें वो कहता है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, कि मैंने डैफोडिल्स के जो फूल थे वो मैंने 10,000 को एक नजर में देखा। तो यहाँ पर 10,000 जो है ये हाइपरबली की एग्जाम्पल है, यानी इसमें बात को बड़ा चढ़ा कर पेश की गई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।